כבר שנים שאיראן פועלת נגדנו, גם באופן ישיר. इसराइल ने 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर एयर स्ट्राइक कर ईरानी सेना के लेबनान और सीरिया के लिए वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी और उनके डिप्टी मोहम्मद हादी हाजी रहीमी समेत 7 अधिकारियों की हत्या करके ईरान को एक बड़ा जख्म देने का काम किया। इन शिकस्त कतन इदामे भी दोहराया, जिसके बाद से ही पूरा ईरानी टॉप ब्रास तमतमाया हुआ है और इसराइल को इस हमले के भयानक अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है, जिसके बाद से ही इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने घर और दूसरे देशों में इजरायली दूतावासों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं। घर की सुरक्षा के लिए इसराइल ने अपने एयर डिफेंसेस को और मजबूत किया है और साथ ही अपने रिजर्व सोल्जर्स की छुट्टियां कैंसिल करके उन सब को ड्यूटी पर वापस बुला लिया है। नेतन्याहू को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ईरान इसराइल के साथ सीधे युद्ध से बचने के लिए उसके किसी दूतावास को निशाना बना सकता है। इजरायली मीडिया के अनुसार भी विदेशों में सेवारत राजनयिकों ने चिंता जताई है कि उनके दूतावासों को ईरान अपना निशाना बना सकता है। द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान और उसके प्रतिनिधियों की ओर से दी जा रही धमकियों के कारण 28 इजरायली दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सीरिया पर ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद आई रिपोर्ट में इजरायली राजनयिकों पर ईरानी हमले की बढ़ती धमकियों के बाद दुनिया भर में इजरायली दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ राजदूतों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सुरक्षा के डर से सार्वजनिक कार्यक्रमों में ना जाएं। हालांकि इजरायली विदेश मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है कि ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकियों के बीच यरूशलम दुनिया भर में अपने दूतावासों को बंद कर रहा है। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि इसराइल ने ईरानी दूतावास पर हमले की अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है, जिसमें सीरिया में ईरान के शीर्ष इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के साथ साथ उनके डिप्टी और अन्य 5 IRGC अधिकारी मारे गए थे। तेहरान ने इसराइल को दोषी ठहराया है और साथ ही बदला लेने की कसम भी खाई है।